उत्तरकाशी की गंगा घाटी में लाल अनाज का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है और सरकार अनाज को लेकर जागरूक अभियान भी चला रही है। वहीं SDM चतर सिंह चौहान ने धान की उपज की आकलन के लिए गंगोरी नगर पालिका में धान की फसल की कटाई की, साथ ही ग्रामीणों से मुलाकात कर क्रॉप कटिंग के उद्देश्यों की जानकारी लेते हुए कहा कि फसल की उत्पादकता का आकलन करने के लिए साथ ही कृषि बीमा से संबंधित आंकड़ों को परखा है। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। देखिए, इस बार लाल धान के लिए जो जिलाधिकारी महोदय ने स्वीकृत करने और कृषि विभाग के अधिकारियों ने जो पहल की है इस घाटी में, अब वो फलीभूत हो रही है। और इस समय जो हम मेरे पास क्रॉप कटिंग के लिए जो खेत है पंवार जी का, उसमें लाल धानी लगा हुआ है, उसकी काफ़ी संभावना है इस घाटी में। और लाल धान की कमर्शियल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है, तो निश्चित ही अगले 4-5 साल में यहाँ पे लाल धान का काफ़ी उत्पादन होगा और किसान भी इससे जो है लाभान्वित होंगे। सर, ये बात थोड़ा सही है कि कंपेरेटिवली ये हार्ड होता है, बट इसका जो मार्केट वैल्यू है, जो इसकी कॉस्ट रेट है, वो काफ़ी ज़्यादा है। इससे लोगों को, किसानों को फ़ायदा होगा। और अब क्योंकि इसमें और भी वेराइटीज़ है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है किसानों के पास कि लाल धान को उगाएँ और उससे अपने लाभ की भी मजबूत करें।